हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में हमारा नेक्स्ट पार्ट 17, जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मेनली यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसके रीजंस क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, मेनली हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे ग्लोबल या फिर रीजनल लेवल पर जो क्लाइमेट्स होते हैं उनके पैटर्न में चेंजेस, तो ये किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे जैसे कि आप रेनफॉल के पैटर्न को देखिए, ये चेंज हो सकता है, या फिर जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं जैसे कि गर्मी, समर, विंटर एंड रेनी सीजन्स, ये सब होते हैं, इनके अराइवल और डिपार्चर में आपको टाइम का फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, टेम्परेचर की सीवियरिटी आपको, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल सकता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा या फिर ठंड ज़्यादा, इस तरीके के आपको चेंज देखने को मिलते हैं। तो चाहे वो रीजनल लेवल पर हो, यानी कि लोकल लेवल पर, चाहे ये पूरे ग्लोबल लेवल पर हो, तो इस लेवल पर आपको जो क्लाइमेट के पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेंगे, हम उसे ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और ये मेनली होता क्यों है? ये मेनली होता है फॉसिल फ्यूल की यूज़ की वजह से। फॉसिल फ्यूल्स का हम जितना यूज़ करते हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होता है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावे और भी हैं ग्रीन हाउस गैसेज जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरीके के जो भी गैसेज हैं उनकी वजह से आपको क्लाइमेट चेंज में ये पूरा पैटर्न जो है वो चेंज नज़र होता हुआ आएगा, जो कि आपको मेनली मिड टू लेट 20th सेंचुरी और उसके बाद से नज़र आता है। यानी कि अगर आप बात करें कि 1900 यानी कि 1850 या 1870 से ऑनवर्ड ये आपको क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इम्पैक्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि प्लांट्स, एनिमल स्पीसीज एक्सटेंट होती हैं धीरे धीरे। एक्सटेंट का मतलब होता है विलुप्त होना, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर के पैटर्न में आपको शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, सी लेवल का राइज होना, और मेनली राइज क्यों होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट करते हैं, और इसकी वजह से इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सी में मिक्स होने लगता है। इसकी वजह से आपको सी लेवल राइज होता हुआ नजर आएगा। तो इसके अलावा दूसरा एक और रीज़न ये है कि टेम्परेचर जो बढ़ता है ना तो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, तो उनकी वजह से भी सी लेवल राइज होता है। ठीक है, तो सी लेवल राइज होने का बस यही एक रीज़न नहीं है कि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो सी में मिलता है, ये तो रीज़न है ही, साथ ही साथ उनकी जो डेंसिटी होती है ना वो भी इंक्रीज करती है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के वो भी एक्सपेंड करते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, इस वजह से भी सी लेवल राइज होता है। ठीक है, साथ ही साथ ग्रीन हाउसेस गैसेस जो डिफरेंट गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स, इनका कंसंट्रेशन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगता है, इस वजह से आपको एक्सट्रीम या सीवियर क्लाइमेट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, फ्लड्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, या ड्रॉट आएगा तो वो भी काफ़ी सीवियर देखने को मिलेगा, हीट वेव्स होती है ना जो गर्मी के दिनों में चलती है, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में लू के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी सीवियर होने लगेगा। ठीक है, अब इसकी वजह से जो डिजीज़ होंगी उनका स्प्रेडनेस भी ज़्यादा होगा, और कोरल रिप्स की भी ब्लीचिंग, ब्लीचिंग का मतलब होता है डेड होना, ठीक है, मरना यानी ख़त्म होना। तो ये जो कोरल रिप्स होते हैं ये मेनली ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं, ये धीरे धीरे ब्लीच होने लगते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि इनके फॉर्मेशन के लिए और सर्वाइव होने के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये हम पढ़ चुके हैं कोरल रिप्स में। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? टेम्परेचर का इंक्रीज होना। ठीक, और क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि क्लाइमेट के पैटर्न में चेंज होना। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर भी हो सकता है बढ़ रहा हो,
अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज भी आपको हो सकता है। तो ये एक दूसरे के आप एक विशियल साइकिल की तरह काम करते हैं। ठीक, तो दोनों में फर्क क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग जो हुआ इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात होती है, और क्लाइमेट चेंज जो होता है वो पूरे क्लाइमेट पैटर्न को ही चेंज करता है। तो पूरे क्लाइमेट पैटर्न के चेंज होने के क्या मतलब होता है, आपका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, आपका प्रेसिपिटेशन भी चेंज हो सकता है, आपका विंड भी चेंज हो सकता है, आपका वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो सकता है, जो गैसेज हैं उनका कंसंट्रेशन भी चेंज होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग के कंपेरिजन में। अगर ये बड़ा एक सर्कल क्लाइमेट चेंज है तो एक छोटा सर्कल इसमें क्या हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ठीक है, नाउ ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग का मतलब होता है कि जो रेडिएशंस आते हैं हमारे सोलर रेडिएशंस, इन सोलर रेडिएशंस को क्या होता है कि कुछ गैसेस जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करती इन सोलर एनर्जी को और रिफ्लेक्ट कर देती हैं बैक इनटू स्पेस। इसकी वजह से वो रेडिएशन जो होता है वो अर्थ पे नहीं पहुंच पाता, अर्थ सरफेस पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि टेम्परेचर जो होगा वो आपको कम नज़र होता हुआ आएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे उन गैसेस के द्वारा आउटर स्पेस में ही, तो अर्थ सरफेस को टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से अर्थ सरफेस का टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्लोबल डिमिंग जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया। तो ग्लोबल डिमिंग कैसे होती है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, गैसेस भी हैं, कुछ पर्टिकुलर मैटर्स भी होते हैं, जैसे कि एरोसोल्स हैं, या फिर इंडस्ट्रीज निकलने वाले जो फॉसिल फ्यूल्स के से निकलने वाले जो गैसेस होते हैं या पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, या फिर इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं उनसे निकलने वाले ये जो आपको गैसेस मिलेंगी, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, शूट, एस, फ्लाई एस, आपको तो पता ही है सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। शूट जो होते हैं ये ब्लैक कार्बन होते हैं। ठीक है, ब्लैक कार्बन जो कोल जलाने की वजह से या फिर फॉसिल फ्यूल्स जलाने की वजह से, ठीक है, या फिर लकड़ी वगैरह पे जो खाने बनते हैं उन लकड़ी से निकलने वाली या काउडंग से निकलने वाली जो कार्बन कंटेंट होता है जिसको ब्लैक कार्बन कहते हैं, उसको शूट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एटमोसफेयर में इंटर करते हैं और ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं दोबारा कहाँ, आउटर स्पेस में। इसकी वजह से क्या होता है कि ये सरफेस, प्लैनेट का जो सरफेस है यानी कार्ड का जो सरफेस पर, यहाँ पर ये रेडिएशंस नहीं पहुँच पाते तो टेम्परेचर आपका कम होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि पॉल्यूटेड क्लाउड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये जो आपको पार्टिकुलेट मैटर्स हुए या फिर ये जो सूट्स वगैरह हो गए, एयर फ्लाई एस वगैरह हो गए, इनके चारों तरफ क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा होता है, जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक निकलई भी कहते हैं, जो कि क्लाउड फॉर्मेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये वाटर वेपर और ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स, ये मिल के क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि अगेन ये क्लाउड जो होता है उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट कर देता है आउटर स्पेस में ही। इसकी वजह से क्या होती है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो ग्लोबल डिमिंग का मतलब हुआ टेम्परेचर का डिक्रीज होना, यानी कि कूलिंग इफेक्ट आएगा अर्थ सरफेस पर, और वहीं ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हो गया टेम्परेचर का इनक्रीज होना, यानी कि आपको यहाँ पर वार्मिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वही सारी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, ये कूलिंग इफेक्ट लेके आता है, और सॉरी ग्लोबल डिमिंग और ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो उससे आपको वार्मिंग इफेक्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो इफेक्ट होंगे उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ओके, तो हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं कि डिफरेंट जो हमारे रेडिएशंस होती हैं उनको ट्रैप करती है, और अर्थ सरफेस
अब ये जो मान लीजिए कि अर्थ सरफेस हुआ, यहाँ पर ये गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, अर्थ सरफेस से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है, इस रेडिएशन को ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और दोबारा ये क्या करती हैं, अर्थ सरफेस की तरफ उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर दो तरीके के रेडिएशन आते हैं, एक होता है सोलर रेडिएशन, एक होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सोलर रेडिएशन वो रेडिएशन होते हैं जो सन की तरफ से आते हैं, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो होते हैं जिन्हें प्लैनेट रिलीज करता है। यानी कि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जब रेडिएशन को रिलीज करता है तब हम इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और वहीं सन से आने वाला जो रेडिएशन होता है हम उसको कहते हैं सोलर रेडिएशन, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है ये लॉन्ग वेवलेंथ का होता है, लॉन्ग वेवलेंथ का होता है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हमें पता है ना कि वेवलेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और वहीं सोलर रेडिएशन जो होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ज़्यादा होती है और वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के क्या होते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है ये कम होती है, ठीक है। तो दो तरीके के आपको रेडिएशन देखने को मिलेंगे, सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि इसमें वाटर वेपर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और वाटर वेपर जो होते हैं मेनली ये नेचुरली पाया जाता है और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा वाटर वेपर रिलीज नहीं होता है, ठीक है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा वाटर वेपर का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक। तो खैर, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये नेचुरली हमारे एटमोसफेयर में पाई जाती हैं, ठीक, लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक नहीं या हार्मफुल नहीं होती। मान लीजिए कि अगर ये ग्रीन हाउसेस गैसेस नहीं होती, यानी कि इनकी वजह से अगर टेम्परेचर वार्म नहीं होता, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, तो हमारी प्लैनेट का जो एवरेज टेम्परेचर है ये आपको -18 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता। इसका मतलब आज अर्थ एक फ्रोजन स्टेट में होता और यहाँ पर कोई लाइफ नहीं होती। तो इन ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही क्या है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर आज 15 डिग्री सेल्सियस नेचुरली, ये बात की जा रही है, पॉल्यूटेड जो पोल्यूशन है उसको छोड़ के ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो 15 डिग्री सेल्सियस है, जिसका मतलब हमारी अर्थ जो है वो हैबिटेबल है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। लेकिन अब क्या है कि एक लिमिट के बाद इन ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है ये इंक्रीज हो रहा है, और यही लिमिट के बाद इंक्रीज होना ही हमारे लिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउसेस गैसेस हमारे एटमोसफेयर में नहीं पाई जाती, वो पाई जाती हैं और उन्हीं की वजह से ही लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन एक लिमिट से इंक्रीज होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा ये कंसर्न है, ठीक है। रेडियोएक्टिव फोर्सिंग, जिसको क्लाइमेट फोर्सिंग भी कहते हैं, ये एक्चुअली डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है किसके बीच में, इंसुलेशन एब्जॉर्ब बाई अर्थ एंड एनर्जी रेडिएटेड बैक टू स्पेस। यानी कि जितना एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, जितनी एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब करती है और जितनी एनर्जी अर्थ रिलीज करती है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है यही रेडियोएक्टिव फोर्स या फिर क्लाइमेटिक फोर्स या फोर्सिंग कहलाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव फोर्सिंग का मतलब होता है इनकमिंग रेडिएशन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है, तो अर्थ ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, कम रिलीज करेगी, तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा वार्म्थ का सिस्टम। और वहीं नेगेटिव फोर्सिंग का मतलब ये होता है कि रिलीज ज़्यादा करना, तो जब ज़्यादा रिलीज होगा इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, रेडियोएक्टिव फोर्सिंग के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, चेंजिंग इन आइसोलेशन, तो डेफिनेटली है ना कि कितना हमारे पास एनर्जी आती है ये उस पर डिपेंड करता है। अगर एनर्जी कम आती है तो टेम्परेचर कम होगा, एनर्जी ज़्यादा आती है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पर भी डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिवली एक्टिव गैसेस, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो गैसेस होती हैं इनका कंसंट्रेशन, अगर ये गैसेस ज़्यादा हैं तो अगेन आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और अगर कम है तो आपको कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसके अलावे ये और चीज़ों पर भी डिफरेंस डिपेंड करता है, जैसे कि वोल्केनिक डस्ट होती हैं, ये भी क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम होती हैं, शूट्स
यानी कि ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने की वजह से या फॉरेस्ट के बर्न करने की वजह से ये आते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम देखेंगे कुछ। यहाँ पर जैसे कि वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम वाटर वेपर। वाटर वेपर दिस इज द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ एटमोसफेयर, ठीक है। लेकिन ये बाकी के जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये मेनली जो गैसेस होती है ये नेचुरली पाई जाती हैं, ठीक है। ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये ज़्यादा नहीं पाई जाती। लेकिन अब ये वाटर वेपर क्या होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही हैं जो वेपराइजेशन के थ्रू ये हमारे एटमॉस्फेयर में ये इंटर करती हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेपराइजेशन देखने को मिलेगा, और ज़्यादा वेपराइजेशन होगा तो इसका मतलब जो होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपको ज़्यादा एटमॉस्फेयर में इंटर करेंगे, तो इसका मतलब वाटर वेपर इंक्रीज होगा, ठीक। तो अब क्या है कि नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि ह्यूमन इंटरवेंशन से भी इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगता है। अब जब इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो अब चूँकि ये ग्रीन हाउस गैस है, ये रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज करेगी अर्थ, इस एनर्जी को क्या करेंगे कि दोबारा अर्थ की तरफ इसको रेडिएट करेंगे। इसकी वजह से देखेंगे कि आपका टेम्परेचर धीरे धीरे अर्थ सरफेस का इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। और अदरवाइज इनके सोर्स क्या है, क्या है इनका सोर्स, वाटर्स है ना, जो भी सरफेस पर वाटर बॉडीज हैं वहीं से वेपराइजेशन के थ्रू ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जाके एटमोसफेयर में मिलते हैं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली रूप में पाया जाता है, इसी की वजह से तो प्लांट्स वगैरह की सर्वाइवल होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन उस थ्रेशोल्ड, उस लिमिट के बाद इंक्रीज करना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। और मेनली ये होता है किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से मेनली, ठीक है। तो सोर्सेज की बात करते हैं, इसके मेन सोर्सेज की अगर बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन, इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स और इंडस्ट्री से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इसके अलावा कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ से ये निकलता है, जैसे कि सीमेंट्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ से निकलती हैं, जो प्रोडक्शन होते हैं केमिकल्स के वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो मेनली ये मैन मेड है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा निकलते हैं। इनको रिड्यूस किया कैसे जा सकता है, एकदम सबसे बेसिक तरीका है कि फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन हम कम कर दें, रिन्यूएबल एनर्जी पर हम धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएं। ये हमारे, यही एक सबसे बढ़िया तरीका है और इफेक्टिव तरीका है CO2 के कंसंट्रेशन को कम करने का। इसके अलावा जो भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं उसकी एनर्जी इफिशियंसी, यानी कि कम एनर्जी में ज़्यादा पावर, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को सेव करना, बेफिजूल एनर्जी ना हम उसको वेस्ट करें, रूम से बाहर निकले तो अपने कैंडल स्विच ऑफ योर फैन एंड वट एवर अप्लायंसेस जो भी चल रहे हैं आपके रूप में, बल्ब वगैरह, ठीक है। कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, इसकी ये क्या होता है कि ये एक आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल मेथड है जिसकी वजह से कार्बन को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। यानी कि कार्बन को इकट्ठा करके किसी चीज़ में बंद किया जाता है। तो यहाँ पर किसी बॉक्स की बात नहीं हो रही है कि बंद किया जाएगा। सिक्वेस्ट्रेशन कई तरीके से हो सकता है, एक नेचुरल तरीका भी हो सकता है कि हम फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दें, तो फॉरेस्ट भी क्या होते हैं कि कार्बन कैप्चर करने का काम करते हैं, ओशंस भी होते हैं कार्बन कैप्चर करने का काम होते करते हैं, तो ये नेचुरल चीज़ें हो गई। मैनमेड चीज़ें यहाँ पर बातें हो रही है कि हम कार्बन को स्टोर करके हम उसे सी बेड में उसको हम कैप्चर करें, ठीक है। तो खैर ये एक काफ़ी कॉस्ट एक्सपेंसिव मेथड है और ये इसमें काफ़ी रिस्क भी इन्वॉल्व है। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं कि हम फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दें और इसके द्वारा कार्बन कैप्चर करें, कार्बन के कंसंट्रेशन को कम करें, तो ये पॉसिबल है और करना थोड़ा सा ईजी भी है, ठीक है।
इन तरीके से इसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा मीथेन, मीथेन सबसे ज़्यादा आप बात करें तो वेटलैंड से निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेचुरल गैस सिस्टम होता है या फिर जो लाइफ स्टॉक होते हैं हमारे यहाँ घरों में या गाँव में, इनके द्वारा यहाँ पर निकलता है। इसके अलावा सॉइल से भी निकलती है और कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनके द्वारा भी हम क्या करते हैं CH4 यानी कि मीथेन को हम रिमूव कर सकते हैं एटमोसफेयर से। सोर्सेज की बात करें तो नेचुरल सोर्सेज में आपको मिलेगा वेटलैंड, इसके बाद टर्माइट्स, ओशियंस, सेडिमेंट्स, वोल्केनोस एंड वाइल्ड फायर्स। ह्यूमन सोर्सेज की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर जैसे कि हम जो लाइफ स्टॉक वगैरह जो अपने यहाँ पालते हैं उनकी वजह से ये CH4 जो होता है मीथेन ये हमारे एटमोसफियर में इंटर करता है। इसके अलावा जो एनिमल मैन्यूर्स होते हैं या एनिमल वेस्ट होते हैं इनको भी हम स्टोर करते हैं टैंक्स वगैरह में, हो सकता है किसी वजह से कंपोस्ट वगैरह बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो वहाँ से भी मीथेन जो होता है हमारे एटमोसफियर में मिलता है। इंडस्ट्री की बात करें तो आप देखेंगे कि मेनली इंडस्ट्री जो कि आपको क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस यानी कि सिंपल सी बात है कि फॉसिल फ्यूल्स से रिलेटेड जो हमारी इंडस्ट्री है उनसे भी आपको मीथेन निकलता हुआ नजर आएगा। नाइट्रो ऑक्साइड की बात करें तो नेचुरल सोर्सेस एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड इमिशंस फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल एंड ओशियंस। सॉइल में कैसे, हमें पता है ना कि डीनेट्रोजेशन होता है यानी कि जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, तो डीनेट्रोजन फिक्सेशन की वजह से क्या होता है, अब ये क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का उल्टा होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स में जो कि सॉइल्स में मिलते हैं और जिसको प्लांट कंज्यूम करते हैं। अब इसका एक उल्टा भी होता है, इसका उल्टा होता है डी नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल में जो नाइट्रोजन होता है अगेन वो डी नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा वो एटॉमिक नाइट्रोजन में चेंज होकर एटमोसफियर में रिलीज होता है, तो इसके द्वारा भी आपको एटमोसफियर में ये मिलेगा। ह्यूमन सोर्सेज की बात करें तो एग्रीकल्चर, हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का मतलब ये हुआ जो हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं खास करके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ करना, लाइफ स्टॉक मैन्यूर या यूरिन की यूज़ करना यानी कि कंपोस्ट वगैरह यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं उसमें भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल्स और बर्न जो कि डीजल पेट्रोल वाली हमारी व्हीकल्स होती हैं उनसे निकलता है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ एटिपिक एसिड जो कि फाइबर्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है, और वहीं नाइट्रिक एसिड जो बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं मेनली नाइट्रिक एसिड का यूज़ वही होता है। कमर्शियल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रिमूवल की बात करें तो यहाँ पर कुछ टाइप के बैक्टीरिया को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो इन नाइट्रोजन को डिकम्पोज करने का काम करें, या फिर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं उनके द्वारा भी ये रिमूव होता है, ये केमिकल रिएक्शंस के भी द्वारा ये रिमूव होता है। नेक्स्ट फ्लोरिनेटेड गैसेस, ये मेनली गैसेस जो होती हैं ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस होते हैं जिनसे ओजोन, तो ये जो फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं ये निकलती हैं डिफरेंट आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि एलुमिनियम एंड सेमी कंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। इनके पास हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स होता है यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने का पोटेंशियल या फिर कैपेसिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर तीन कैटेगरीज आपको बताई गई हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये तीन मेन कैटेगरीज हैं इन फ्लोराइड्स की जो सेमी कंडक्टर या फिर एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो होती है यहाँ से निकलती है, और ये हाई पोटेंशियल होता है इनका ग्लोबल वार्मिंग का। और ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, आपको CFC के बारे में भी पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, CFCs के पता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये भी फ्लोराइड ही है इसमें, तो ये भी फ्लोरिनेटेड कार्बन्स होते हैं या फिर गैसेज जो होती हैं, ठीक है। इसके बाद ब्लैक कार्बन, तो ब्लैक कार्बन के बारे में बताया था मैंने कि इसको शूट भी कहते हैं, पहले शूट आया था ना, इसको सूट भी कहा जाता है। एक्चुअली ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं यानी कि ये जो
सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये पर्टिकुलेट मैटर्स भी होती हैं, यानी कि एक ही चीज़ है सॉलिड पार्टिकल्स, अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लो करे तो उसको हम पर्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, ठीक है। तो मेनली ये निकलता है आपको इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से निकलता है, ठीक है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो बायोमास बर्निंग, कुकिंग विथ सॉलिड फ्यूल्स एंड डीजल एग्जॉस्ट। कुकिंग विथ सॉलिड फ्यूल्स का मतलब जैसे लकड़ी पर कुकिंग की जाती है, काउ डंग होते हैं, कोल वगैरह पे की जाती है, कोयला वगैरह पे जो कुकिंग की जाती है वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। बायोमास बर्निंग आप समझ ही रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स की बात की जा रही है। डीजल एग्जॉस्ट जो डीजल वाली हमारी व्हीकल्स होती है ये वहाँ से निकलते हैं, ओके। तो इन कार्बन जो ये कार्बन ब्लैक होते हैं ये करते क्या है? अब अगेन देखिए ये क्या होते हैं कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच के ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और एल्बिडो को रिड्यूस कर देते हैं। एल्बिडो का मतलब होता है द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, ठीक है, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो का रिड्यूस होना इसका मतलब ये है कि जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी को रिड्यूस करना, ठीक है। तो अगर अल्बिडो रिड्यूस होता है तो क्या होगा कि एबिलिटी जो होगी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की वो भी कम होगी। इसका मतलब क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। रिफ्लेक्शन अगर कम हो रहा है इसका मतलब एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है, तो अगेन एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से आपको टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक जो एटमोसफियर होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो अर्थ सरफेस होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। लाइफ टाइम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे एटमोसफियर में नहीं रहता, कुछ दिन से लेके कुछ वीक तक ही रहता है। तो जब आप कोई भी ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हैं ब्लैक कार्बन को रिमूव करने का, तो कुछ सप्ताह या महीनों में ये ब्लैक कार्बन रिमूव भी हो जाता है हमारे एटमोसफियर में, ठीक है। इसके लिए आप देखेंगे एक प्रोजेक्ट, ओके। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए एक प्रोजेक्ट सूर्या आया था। प्रोजेक्ट सूर्या में क्या था कि इसमें मिली जो हमारे सनलाइट होती है उसका यूज़ करके हम किस तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी के यूज़ करके हम इसको कम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर इफ़िशियंट स्टोव टेक्नोलॉजी आई थी। स्टोव एक्चुअली ये सोलर स्टोव ही थे, सोलर कुकर आया, सोलर लैम्प्स और बायोगैस प्लांट्स आया। इनका यूज़ करके हम क्या करें कि जो खास करके फॉसिल फ्यूल्स पर की जो बर्निंग होती है, खास करके हम जो कुकिंग में यूज़ करते हैं काउ डंग्स और कोल वगैरह लकड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, उनको रिप्लेस किया जा सके, तो इसलिए प्रोजेक्ट सूर्य लाया गया था। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का सीधा सा मतलब होता है कि गैस की पोटेंशियल क्या है ग्लोबल वार्मिंग में, यानी कि कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है और एटमॉस्फेयर को गर्म कर सकता है, ओके। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इच गैस ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। किस गैस से कितनी ग्लोबल वार्मिंग होती है, उस गैस की क्या कैपेसिटी है टेम्परेचर को इंक्रीज करने की, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये दो तरीके से इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो कि ये गैस जो है कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और दूसरी चीज़ वो गैस कितने देर तक एटमॉस्फेयर में रहती है, कितने दिनों तक, महीनों तक, सालों तक एटमॉस्फेयर में रहती है। तो इसके दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी बेसिस पर मेजर किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को, ठीक है। यहाँ पर ग्लोबल इमिशंस की बात हो रही है, यहाँ पर ये सेक्टर्स हैं, इनमें सेक्टर्स बताया गया कि कहाँ कहाँ से ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस वो निकलती हैं, और डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या है ये बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 26% सबसे ज़्यादा जो ये ग्रीन हाउसेस गैसेस निकलती हैं वो इनर्जी सप्लाई से निकलती हैं, यानी जिसको इनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा निकलती है वो इंडस्ट्री से, फिर फॉरेस्ट्री से, इसके बाद एग्रीकल्चर, देन ट्रांसपोर्टेशन। ये थोड़ा सा आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखिएगा। जो डिफरेंट ये गैसेज हैं इनमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के 65% कंट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद देखेंगे कि मीथेन का 16%, सॉरी इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये मेनली वो है जो आपको नेचुरल प्रोसेस से निकलती है, और ये मेनली आपको ये है जो मैन मेड,
प्रोसेस से निकलती हैं, ठीक है। तो मैन मेड प्रोसेस निकलने वाले 65%, और ये जो नेचुरल प्रोसेस निकलने वाले जो है 11%, और मीथेन 16, नाइट्रस ऑक्साइड 6, और ये जो फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं वो 2% है। इसको भी थोड़ा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखिएगा। ये एक स्टेप्स हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बर्न करते हैं जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो बर्न करने की वजह से ग्रीन हाउसेस गैसेस निकलती हैं, और इन ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो अगेन अब इन सब की वजह से ग्लेशियर्स वगैरह पिघलना स्टार्ट करेंगे, ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे तो पानी एक्स्ट्रा ऐड होगा ओशन में, उसकी वजह से सरफेस जो ओशन लेवल है वो इंक्रीज होगा, और ओशन लेवल जब इंक्रीज होगा तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं, लो लेइंग कोस्टल एरियाज, वो कि उनके सबमर्ज होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होने लगेगी, और इस वजह से फाइनली आप देखेंगे कि पूरा इकोसिस्टम इसमें वो हमारा डिस्ट्रक्शन उसका होने लगेगा, और जो स्पीसीज होते हैं धीरे धीरे वो विलुप्त होने लगेंगे, और एक्सटिंक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक चेन है, एक स्टेप है कि इसके बाद ये आपको आता है। इसको भी थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, कभी कभी आंसर राइटिंग में आगे फ्लो चार्ट में इस तरीके का कुछ बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्लाइमेट चेंज। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, संभवतः एसिडिफिकेशन होगा वो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।